हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जेड प्लांट को किस तरीके से घना बना सकते हैं इसके बारे में शेयर करूंगी। इस टॉपिक पे आपको ढेरों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। कुछ का यही कहना होगा कि इसमें आप ये फर्टिलाइज़र डालिए, इसमें वो फर्टिलाइज़र डालिए, ऐसे करिए जिससे कि पौधा तेज़ी से ग्रो होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी जो कि मैं खुद अपने प्लांट पे अप्लाई करती हूँ, या फिर यूँ कह ले कि मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। शॉकिंग ना, सुन के ही लग रहा है कि किस तरीके से मेरे इतने प्लांट घने, मेरे जेड प्लांट इतने अच्छे से घने कैसे हो गए अगर मैं कुछ भी नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या हमें सही में करना चाहिए जेड प्लांट को लेके, जिससे कि जेड प्लांट हमारा काफ़ी घना हो, खूबसूरत दिखे, काफ़ी ग्रीनरी हमारे गार्डन में ऐड हो और थोड़ी इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास कहाँ कहाँ जेड प्लांट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, ये सारे ही हैंगिंग बास्केट मैंने लास्ट ईयर लगाया था। आई थिंक इसी टाइम मैंने लगाया था, रेनी सीजन स्टार्टिंग के वक्त ही मैंने इन सभी पौधों को लगाया था। आप इन सभी का ग्रोथ देख सकते हैं। कुछ ही छोटी छोटी टहनियाँ मैंने लगाई थी और आप इन सभी का ग्रोथ देखिए, काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी घना हो गया है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे इन एक साल में मिला। यूँ कह ले कि अभी एक साल हुआ भी नहीं है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मुझे इन प्लांट से मिले। और यहाँ पे है मेरा ये मदर प्लांट जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था। आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी इसमें है, काफ़ी घना हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है मेरी सारी टोपियारी जो मैंने बनाई। तो इन सभी टोपियारी को आप देख सकते हैं। थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था इन सारी टोपियारी को कैसे मैंने डी शेप से शेप में मैं लेके आई थी। आई थिंक 2 वीक्स ही हुए होंगे, यानी 2 सप्ताह ही हुआ होगा। और मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी एंड स्क्रीन में, आप ज़रूर चेक करिएगा जब मैंने ये आपके साथ शेयर किया था। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरी टोपियारी जिसे कि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले शेप में लेके आई थी, ढेर सारी इसकी प्रूनिंग करी थी और इसे मैं एक्चुअल जो शेप में दे रही हूँ उसी में मैंने इसे कन्वर्ट किया था। वापस से आप ग्रोथ देख सकते हैं, सारे ही वापस से डी शेप हो चुके हैं। और इस वीडियो को बनाए हुए मुझे 15 to 20 days ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और आप ग्रोथ देख सकते हैं, यानी आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और बहुत ही जल्दी ये पौधा ग्रो कर रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जेड प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। जेड प्लांट थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है। अगर सही हम इसे एनवायरनमेंट दे पाएँ देन इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होती है, अदरवाइज़ इसकी ग्रोथ बहुत बहुत स्लो होने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना है कि जेड प्लांट को हमें रखना कहाँ है। अब नर्सरी में अगर ये पौधे परचेज करने जाएंगे तो नर्सरी वाले अक्सर आपको ये बात कहेंगे कि जेड प्लांट को आप शेड में रखिए, यानी इंडोर रखिए। लेकिन फ्रेंड्स, कम्प्लीटली ये गलत है। जेड प्लांट को आप इंडोर मत रखिए। आप इंडोर इसे कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, यानी आपको अगर कहीं डेकोरेट करना है इस प्लांट से तो आप कुछ दिन के लिए इसे इंडोर रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसे शिफ्ट करना होगा धूप में। फिर फ्रेंड्स, अगर आपने इसे टोटली इंडोर रखा जहाँ कि इसे थोड़ी बहुत भी धूप नहीं पड़ती है, तो आपका ये जो पौधा है ये थोड़ा लैगी हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं एक स्टैम दिखाती हूँ। ये स्टैम में आप देखेंगे कितनी ही सारी पत्तियाँ आ रही है, साइड स्टैम भी निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे धूप से हटा के छाँव में रख देंगे तो ये पौधा एकदम से लैगी हो जाएगा। इसमें जो ये पत्तियाँ देख रहे हैं, पत्तियाँ कम हो जाती है और टहनियाँ ज़्यादा दिखने लगती है। तो पौधे को रखना है हमें पूरे दिन की धूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, जेड प्लांट को आपको रखना है पूरे दिन की धूप में, यानी ऐसी जगह जहाँ मैक्सिमम धूप मिले। अगर आप बालकनी में ग्रो कर रहे हैं तो बालकनी में भी कोशिश करिए कि जेड प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ के इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ही अच्छी तरीके से पौधा ग्रो होता है। मैंने इस पौधे को शेड में भी रख के देखा है, लेकिन शेड में ये पौधा तेज़ी से ग्रो नहीं करता है, उस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो इसे आप पूरे दिन की धूप में रखिए। सबसे पहला तो इस बात का ध्यान रखिए, जेड प्लांट को हमेशा ही धूप में रखिए। यहाँ तक कि अगर आपने इसकी कटिंग भी लगाई है तो उस कटिंग को
भी आप धूप में रखें, मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दूंगी। नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स इसके वाटरिंग का होता है। वाटरिंग यानी इस पौधे को कम से कम पानी चाहिए, जो हम सभी कहते हैं सही है, इस पौधे को कम से कम पानी चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे बारिश के मौसम में इसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती है, वो रीज़न है ओवर वाटरिंग का। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉपर पानी भी इस प्लांट को बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आप पानी कम कर देंगे तो इसकी जो ये पत्तियाँ है ये काफ़ी मोटी मोटी होती है, ये सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है, दिखने में लगेगा जैसे सकुलेंट नहीं है, फ्लैशी नहीं रहती है, एकदम से पतली पतली इसकी टहनियाँ होने पत्तियाँ होने लगती है। तो प्रॉपर पानी इस प्लांट को बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी मिट्टी को हमेशा ही गीला रखें। इसे गर्मियों के मौसम में तेज़ धूप में रखें, खुले छत पे रखें, जैसे कि मैंने दिखाया, मैंने सारे ही मेरे हैंगिंग बास्केट को खुले धूप में खुले छत पे रख रखा है और मैं कभी भी इसे इंडोर शिफ्ट नहीं करती हूँ। तो आप सोच समझ सकते हैं कि गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और ठंड का मौसम, हर वक्त मेरे ये पौधे टेरेस पे ही ऐसे ही बने रहते हैं। तो मेरे पौधे ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ। पूरे दिन की धूप में रखने से प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तब मैं इसे डेली बेसिस पे पानी देती हूँ, यानी कि मैं गर्मियों के मौसम में मेरे इस पौधे को डेली ही पानी देती हूँ। आप मिट्टी देख सकते हैं सूख रही है, आप यहाँ पे भी मिट्टी देख सकते हैं एकदम सूख गई है, जबकि मैंने कल ही पानी दिया। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पानी नहीं देते हैं तो पत्तियाँ इसकी सिकुड़ने लगती है, पत्तियों में जो मॉइस्चर होता है फिर प्लांट वही मॉइस्चर को लेने लगता है। तो पानी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लांट को कभी भी ओवर वाटरिंग ना हो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हमेशा जब भी आप ये पौधा लगाएं तो इसकी मिट्टी प्रॉपर बनाएं, यानी आप मिट्टी में 50% लीजिए रेत, 25% लीजिए मिट्टी और 25% लीजिए कॉम्पोस्ट। इसके अलावा इस पौधे को और कुछ नहीं चाहिए होता है। इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप इसके पौधे को लगाइए। जेड प्लांट को फ्रेंड्स कोशिश करिए कि कोकोपीट में ना लगाएं, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करता है, उससे जेड प्लांट की ग्रोथ में इफ़ेक्ट आता है, या तो प्लांट ख़राब हो जाएगा या फिर प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। मिट्टी ऐसी बनाइए जिसमें रोज़ पानी डालें और रोज़ मिट्टी सूख जाए। इस तरीके से मिट्टी में फ्रेंड्स आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और पानी में मिट्टी में पानी होल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से इसकी जड़ें नहीं सड़ेंगी, पौधा भी ख़राब नहीं होगा। ये दो चीज़ मेन है जिसे कि आपको ध्यान रख रहा है जेड प्लांट को लेके। इसे प्रॉपर धूप में रखिए और इसे पानी आप इसकी मिट्टी चेक करिए, सूख जाए डाल दीजिए, यानी अगर डेली ज़रूरत पड़े पानी डालने की तो आप डेली डालिए। मिट्टी अगर गीली दिखे तब इसमें पानी ना डालें। और फ्रेंड्स इस प्लांट को आप देखेंगे कि आपको काफ़ी जगह ये जानकारी मिलेगी कि इसमें ये फर्टिलाइज़र डालिए, वो फर्टिलाइज़र डालिए, वगैरह वगैरह। मैं इन पौधों में कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। मैं जानती हूँ इस पौधे को कुछ नहीं चाहिए, इसे सिर्फ चाहिए प्रॉपर पानी और प्रॉपर सनलाइट, इसके अलावा इस पौधे को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। जब भी मैं लगाती हूँ मैं इसमें एक बार जो मैंने अच्छी तरीके से कंपोस्ट डाल दिया देन डाल दिया, उसके बाद मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ और आप ग्रोथ देख सकते हैं। और जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो आप इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। इस पौधे में फ्रेंड्स पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन आप बीच बीच में देख पाएंगे कभी कभार जब इसको आप प्रॉपर धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें मिली बग लग जाता है। मैं इसको प्रॉपर धूप में रखती हूँ इसलिए मेरे प्लांट में मैंने कभी भी मिली बग का अटैक नहीं पाया है, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ी सी शेड में रख देंगे तो इसमें मिली बग का अटैक होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसमें मिलीबग का अटैक हो तो तुरंत उसे हटाइए, अदरवाइज आपका ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये था बेसिक फ्रेंड्स जिस तरीके से हम जेड प्लांट को रख सकते हैं। अब जेड प्लांट को घना बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी हम पिंचिंग करते रहें, यानी हम इसे कट करते रहें। जैसे हम जेड की टोपियारी बनाते हैं, टोपियारी बनाते वक्त हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसे कट करते रहें। जहाँ से कट करेंगे वहीं से दो ब्रांच निकलेंगी और फिर वो दो ब्रांच जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो वहाँ से फिर से कट करेंगे, वहाँ से फिर से दो ब्रांच निकलेंगी, यानी एक ब्रांच को काट के हमें मिला दो ब्रांच और दो ब्रांच को काट के हमें मिले चार ब्रांच।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें इसे कंटिन्यू प्रूनिंग करते रहना है। हर 15 दिन 20 दिन में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तभी आप एक प्रॉपर जेड प्लांट तैयार कर सकेंगे, एक घना सा जेड प्लांट तैयार कर सकेंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेरी ये टोपियारी, ये कोई टोपियारी मेरे 2 साल की है, कोई मेरे 6 महीने की है, कुछ इस तरीके से मैंने टोपियारी बनाया। ये पिरामिड टोपियारी भी आप देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, इसको भी मैंने लास्ट ईयर ही बनाया था। ये केज वाली टोपियारी भी मैंने लास्ट ईयर आपके साथ शेयर किया था। आप देख सकते हैं मैंने जब इसकी प्रूनिंग करी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। वापस से मेरे ये पौधे डी शेप हो गए हैं, वापस से मुझे इसे प्रून करना है। तो इसे इस तरीके से प्रून करते रहेंगे तो कई सारे ब्रांचेस निकलते जाएंगे, जिससे कि ये पौधा घना हो जाता है। ये पौधा अपनी स्पीड में ही बढ़ता है, आप कितना भी इसमें कुछ भी डाल दीजिए, ये पौधा उसकी वजह से अपनी ग्रोथ फास्ट कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप रखिए प्रॉपर धूप में, देख के पानी दीजिए, ज़रूरत है दीजिए, नहीं ज़रूरत है मत दीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ी डेली बेसिस पे देने की देन डेली बेसिस पे दीजिए, और हर 15-20 दिन में इसकी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से प्रूनिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ही जल्दी ये पौधा घना होता है, उतनी ही फास्ट इसके ब्रांचेस निकलते हैं चारों ओर, और पौधा अच्छी तरीके से शेप में आ जाता है और दिखता है कि हमारा पौधा काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है। तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिए फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जेड प्लांट में और कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, एक्स्ट्रा और कुछ केयर नहीं करती हूँ, बस मेरा इतना सा ही काम होता है हर 15-20 दिन में कि मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँ, थोड़ी सी इसकी छटाई करूँ, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकले हैं उसे मैं हटा दूँ, और मैं इसकी मिट्टी में हमेशा ही मिट्टी देख लेती हूँ डेली बेसिस पर। अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं डेली बेसिस पर ही इसमें पानी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर पानी की ज़रूरत है फिर भी मैं इसमें पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे ये पौधे पूरे दिन की धूप में रहते हैं, और पूरे दिन की धूप में जैसे कि मई जून की धूप होती है तो उसमें बहुत तेज़ धूप होती है और मिट्टी डेली बेसिस पे सूख जाती है, तो पानी की ज़रूरत डेली ही प्लांट को होती है। इतना सा ही केयर करना है और आपका प्लांट हरा भरा और घना दिखने लगेगा और आपका प्लांट एकदम से खूबसूरत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ कि जेड प्लांट को कटिंग से लगाते वक्त भी हमें इसे धूप में ही रखना होता है। लास्ट मैंने जब इसकी प्रूनिंग की थी, मेरे जितने भी कटिंग निकले थे मैंने सबको इसमें लगा दिया था, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। लगाने के बाद मैंने इसे कोई इंडोर नहीं रखा है, आपको मैं दिखाऊंगी, सब में रूट आ चुके होंगे, आप देख सकते हैं इसमें रूट्स आ गए हैं, यानी 15 से 20 दिन में ही इसमें रूट्स आ जाते हैं। ये सारी ही कटिंग वो है जो मैंने कट करके निकाली थी, काफ़ी सारे तो मैंने फेंक भी दिए और काफ़ी सारे मैंने इसमें लगा दिए थे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगी है। तो कटिंग भी आप लगाते रहिए, जिससे कि इन फ्यूचर आप इससे कोई और टोपियारी बना सके। यहाँ पे मैं एक अलग शेप का टोपियारी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सारे को ही जितना इसमें प्लांट अट पाया मैंने इसे लगा दिया है। अभी फिर से जब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तो चाहे तो फिर से इन छोटी छोटी टहनियों को ले, नीचे की पत्ती को हटाएँ और इसे फिर से लगा दें। ये पौधा बहुत जल्दी कटिंग से लग जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे कुछ मैंने यहाँ पर भी प्लांट लगाए थे, जिससे कि किसी को अगर मुझे ये देना हो तो मैं इसे दे सकूं, ये वेस्ट कंटेनर में मैंने लगा दिया था। जेड प्लांट एक लकी प्लांट होता है, हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर केयर किसी को नहीं पता होती है, जिसकी वजह से ये पौधा उनके पास या तो ग्रोथ नहीं करता है या फिर अच्छा लुक नहीं देता है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, मैंने जो आपको बताया बस इतना ही ध्यान रखिए, धूप और पानी, इन दो चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जेड प्लांट मेरे पौधे की तरह ही खूबसूरत और घने बन जाएंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था जेड प्लांट को लेके पूरी जानकारी, जो अक्सर मेरे पास इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते रहते है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये पूछा जाता है कि आपके जेड प्लांट इतने सुंदर कैसे हैं, क्या करें जेड प्लांट को घना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है जेड प्लांट को घना बनाने के लिए, सिर्फ टाइम टाइम पे इसकी प्रूनिंग करते रहे। तो इस तरीके से आप भी जेड प्लांट को घना बनाइए और खूबसूरत बना के रखिए अपने गार्डन को। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।